गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट वी इनवाइट पीपल फॉर 7 डे प्रोग्राम और जहाँ पे हम आपको आपके एम तक पहुँचाते हैं. सो यू ऑल नो दैट वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया. सो टुडे वी हैव मिस्टर अजीत सिंह हु हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इंदौर एंड हु वांट्स टू ओपन हिज फार्मास्यूटिकल कंपनी. सो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल. सो सर, आपको पीडी क्लासेस में आके कैसा लगा? हाउ डू यू फील आफ्टर कमिंग टू पीडी क्लासेस? देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने जाते हैं ना, तो आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. और चूँकि मेरा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो जब मैंने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया था, तब मुझे सर के कई वीडियोज़ उसमें दिखे थे. तो जब कई वीडियो मैंने सर्च किया, देन मैंने जाना कि मुझे सर से बात करना चाहिए एक बार, और मैंने इनसे टेलीफोनिक संपर्क किया. एंड फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे ये 7 डेज का कोर्स करना चाहिए. सर खुद एक MR के प्रोफेसर्स में रहे हैं, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इकपा वगैरह जैसी कंपनियों में काम किया है. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे इंटरेक्ट जरूर करना चाहिए, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो वो सब चीज़ें मैं ध्यान में रखकर यहाँ आया था. देन जो भी रहा हमारा, वो आप आगे मैं आपको बता सकता हूँ कि सो सर, एज यू केम ऑल द वे फ्रॉम इंदौर, तो यहाँ आपको फूड एंड अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम हुआ? डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम? इनफैक्ट मैं आपको इस बारे में ये बताऊंगा कि मैं जब आया था, तो मैं एक्चुअली बहुत पर्टिकुलर हूँ इन मामलों में, तो मुझे थोड़ा सा डर था कि यार कहीं मैं एडजस्ट ना हो पाऊंगा. बट यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन जहाँ मैं ठहरा हूँ या जहाँ मैं रुका हूँ या जहाँ मुझे फूड मिल रहा है, वो इतना शानदार है कि मैं बार बार आना भी चाहूँगा. ओके. सो सर, क्या आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे और क्या आप लेकर जा रहे हैं, क्या आप हमें उस बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं जिस उम्मीद से आया था, एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि उम्मीद जो होती है वो इंसान को कई बार डिप्रेस करती है. बट यहाँ मेरे साथ उल्टा हुआ. मैंने जो उम्मीद की थी उससे मुझे कहीं ज़्यादा यहाँ पर सीखने को मिला. सर का पर्सनल मेरे साथ 7 दिन का एक टच रहा. और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से मुझे सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी. जो भी मेरी क्वेरीज थी उन्होंने मुझे बताया. इवन उन्होंने मुझे यहाँ तक भी आश्वस्त कर रखा है कि मुझे इवन बाद में भी वो गाइड कर रहे हैं फॉर फ्यूचर पर्पस. बिल्कुल. इवन उन्होंने कुछ सक्सेसफुल लोगों से भी मुझे मिलवाया. Okay, जो मेरे लिए काफ़ी मतलब यू नो, मैं शायद वो सब चीज़ें अपने प्रोफेशन में रहकर 4-5 सालों में जान पाता, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ इन 7 दिनों में मिला है. So, मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए कि मुझे यहाँ से क्या मिला और किस तरह. सो सर, इन फ्यूचर इफ यू गेट अ चांस, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर पीडी क्लासेस? देखिए, अब ये प्रोफेशन बहुत अलग हो जाता है, लीडरशिप से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है ये. और मैंने सर का जो देखा है यहाँ पर लोगों को इस तरह से यहाँ क्लास में उनका चलता है, मैंने देखा है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, खैर ये तो मैं आज नहीं बता सकता या मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर जो भी बेस्ट होता है वो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ. और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल से जुड़ा है, तो नेक्स्ट अब ये होगा कि मैं खुद जब MR रिक्रूट करूँगा अपने यहाँ पर, तो मेरा पहला जो ध्यान है वो इसी बात पर है कि उनको यहाँ इस क्लास के अंदर ज़रूर मैं ट्रेन कराऊँ. Okay, और डेफिनेटली डेफिनेटली उसका मुझे बहुत ज़्यादा असर होता दिख रहा है उस पर, क्योंकि जो लीडरशिप होना चाहिए कि MR के अंदर एक सेल्समैन के अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छा मिलना है, ये मैं जान गया हूँ. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पीडी क्लासेस एज वेल एज फॉर यू सर. सो ना, ये पीडी के क्लासेस के लिए अचीवमेंट नहीं है, मेरे लिए अचीवमेंट है. सो सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर. So sir, what do you think if a person wants to open his company or wants to take a franchisee or wants to be an MR? So is this program justified for them also? देखिए, मैं इसमें एक ऐड करूँगा कि ये तीनों प्रोफेशन हाँ जुड़े तो फार्मास्यूटिकल से ही हैं, पर तीनों का जो अप्रोच होता है, मतलब लीडरशिप का, वो बहुत अलग होता है तीनों का. और जहाँ तक मैं अपना कंपनी खोल रहा हूँ, वो मैंने सर से अपना एक गाइडेंस लिया है, ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ MR के लिए जो देखा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद आया. यानी कि जो MR यहाँ पर ट्रेंड होगा, वो निश्चित रूप से जो कंपनियाँ जिनको उनको अगर रिक्रूट करती हैं, तो उनको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट आना है. एंड देन जो फार्मास्यूटिकल में जो फ्रेंचाइज लाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ बहुत स्कोप है, क्योंकि ये मैंने यहाँ आकर देखा कि उनके लिए काफ़ी स्कोप है. क्योंकि कई बारीक चीज़ें होती हैं, आप बिजनेस करने उतरे हैं, कॉम्पिटिशन है, कई चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है. तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से 7 दिनों में जान जाते हैं, ये बहुत बड़ा एक मतलब. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू दिस प्रोग्राम इज प्रूव टू बी अ बेनिफिट फॉर यू, आपका आना इट वाज अ सक्सेस फॉर यू. देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग ट्रेंड होकर गए हैं वो रिक्रूट हुए हैं,
है ना। दूसरा क्या है कि जो लोग सक्सेस हुए हैं, जैसे कंपनी चला रहे हैं, वो भी आज सर से टच में हैं, इन सबका बेनिफिट मिलता है ना हम लोगों को, तो ये एक बहुत अलग सा एक्स्ट्रा मतलब मिल जाता है यहाँ पर। सो इट वॉज अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू एंड जस्ट नॉट न्यू, एक्चुअली ये सब चीज़ें तो हम ढूंढते रहते हैं बट परफेक्टली कहीं मिल जा रहा है तो वो ही मिल जाता है, ये मैं कहना चाहूँगा। So yeah. It's like a icing on the cake, you can say that. Yeah. So, what do you think about our channel? देखिए यार, चैनल को मैंने देखा था तभी मैं यहाँ इस जगह पे आ पाया। एक्चुअली चैनल में उनमें उसमें कई तरह के प्रोग्राम हैं, टीचर्स के लिए भी है, केबिन क्रू के भी है, रेस्टोरेंट्स के लिए भी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा उसमें दिया गया है, एंड MR के लिए तो खैर है ही। तो डेफिनेटली मैं उनको वॉच करता रहा, मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो, और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सबको भी जो उसको देखना चाहते हैं। फाइनली आप, हाँ सो सर, एज यू केम ऑल द वे फ्रॉम इंदौर, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गंगानगर? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या है ना कि मैं वैसे तो इंदौर से हूँ बट मैंने तकरीबन उत्तर भारत काफ़ी कुछ देखा हुआ है मेरा, मैं दिल्ली काफ़ी समय रहा, तो मुझे गंगानगर को लेकर थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स था कि मुझे लगा यहाँ काफ़ी गर्मी है और काफ़ी कुछ यू नो जैसलमेर से जुड़ा, बीकानेर से जुड़ा, तो मुझे लगा यार मैं कैसे क्या वहाँ एग्जिस्ट करूँगा। बट मैं यहाँ आकर पड़ा, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर, जहाँ मुझे सर की तरफ से एक्मिनेशन हुआ है मेरा वहाँ पर, वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ जिम है यू नो, और काफ़ी अच्छा लगा। इवन इंदौर में जब हम देखते हैं इन सब फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर बहुत चीप भी है, बहुत सस्ता है, बहुत खूबसूरत भी है, तो बहुत ओवरऑल बहुत, इवन हम ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं यू नो, जैसे आप सुनते हैं तो बेस्ट है। सो मतलब आपके ये 7 दिन बहुत अच्छे से गुजरे हैं। बहुत अच्छा रहा। यू लव द एक्सपीरियंस। बिल्कुल, मैं वैसे भी रिपीट करूंगा इसको। या सो दिस इज मिस्टर अजीत सिंह, आई होप आपको अच्छा लगा यहाँ आके। एंड फ्रेंड्स, वन थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स बाय 3 वेज। वन इज थ्रू आवर टेलीफोनिक इंटरव्यू, second is we welcome here you, we invite you, we provide all the food and accommodation to you, and third by the means of book jo aapko hamare har video mein milenge. So by these 3 means you can avail all the benefits. So friends, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.